हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आपको तो पता है कि हमारी मैडम कुछ ना कुछ तो करती, ये देखो कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो ईद है, अब कुछ घर में कुछ चेंजेस ना हो, कुछ हल्का सा एक नयापन नया ऐसा हो नहीं सकता। तो ये देखिए, ये मैडम ने जो है यहाँ पे वॉलपेपर जो है वो चेंज करवा दिया है। भी ओके किया था आप मेरे साथ। हाँ, जब इन्होंने प्लान कर लिया था कि वॉलपेपर चेंज करना है, तो फिर मैं साथ में चला गया। चलो ठीक है, देख लेते भाई। तो ये हो गया है, अभी आ गया है मरून, और अभी यहाँ पे आएंगी आयतें, और हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक स्पॉटलाइट, एक ट्रैक लाइट लगवाएं ताकि उसमें से वो आए। संभाल के अभी नया नया, थोड़ी देर बाद रख लेना। मैं करूं खिल रहा है। तो मरून कलर पसंद किसने किया था? तुम तो ब्लू लेने गई थी। ब्लू भी उतना ही खिला। अगर ऐसे ब्लू मिलता चलो चुप रहो। एक मिनट, बेईमानी नहीं करना। आई वॉज ओके विद बोथ। नहीं, तुम सिर्फ ब्लू ही सोच के गई थी। वहाँ मरून दिख गया, मैंने बोला दीपी मरून कितना अच्छा लगेगा। भी एक बार मुझसे मरून का जिक्र किया था, तो आई वॉज लाइक हाँ मरून भी अच्छा लगेगा, मुझे कुछ भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी हो गया है ये कंप्लीट। अभी बस अभी वो ट्रैक लाइट लगनी है, एक स्पॉट लाइट भी अभी यहाँ से हम लोगों ने इसमें सोचा कि कराएंगे। यहाँ पे इस पे स्पॉट लाइट आएगी इन तीनों पे। अब सडनली ये ब्राइट लग रहे हैं। हाँ, तो उठ के आ रहे हैं। इन पे नहीं भी आती लाइट तो भी चलता नहीं आई, अच्छा लगेगा, एक फील आ जाएगा, एक लुक हो जाएगा। बस अब मुझे इनको पेंट करवाना है, वो तीनों हो जाएगा, अलग शेड में लग रहे हैं। तो बस अभी होगा, अभी चलते हैं हम इंशाल्लाह कुरान शरीफ पढ़ने। इंशाल्लाह आज कल 27वां है ना, तो कल इंशाल्लाह कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाएगी। यस, तो चलिए। क्या देख रही हो ऐसे? किसी और की मलाई जब कोई और खा लेता है। कोई किसी और की मलाई नहीं खाता है। हाय अकरम, ये भी आ गया है। ये वॉल पेपर मेरी पसंद का है, तुम ब्लू पसंद कर रही थी। एक मिनट, आइडिया किसका था चेंज करने का, वो अलग बात है। ये पसंद किसकी है? नहीं, जहां से बीज बोया वहां से बात करो ना। ये देखो फोन भी बोल रहा है। अरे सही कह रही है, फोन बोल रहा है क्यों? जहां से बीज बोया वहां से बात करो। आइडिया किसका था? किसका आइडिया? किसका था आइडिया? किसी का भी वो वॉल पेपर चेंज करने का। पर ये बात है, नहीं आइडिया, नो आई जस्ट वांट वन वर्ड। आइडिया किसका था? तुम्हारा था आइडिया, करेक्ट, ओके, फुल स्टॉप। उसके बाद मैं जब शॉप पे गई, मैंने पहले आपको आईकिया गई थी तो ब्लू वॉल का फोटो भेजा, फिर आपने बोला मरून, मैं बोला हाँ मुझे दोनों पसंद है लेकिन ये चेंज करना चाहिए। तुम ब्लू ही लेके गई। सुम्मी, क्या बोला आज बन रहा है? भरता। भरता मुझे बहुत पसंद है। यस, बहुत खुशी से खाती हूं। Yes, तो और बाहर जो लाइट थी वो भी लगने वाली है, देखते हैं। पापा कैसा लग रहा है वॉलपेपर? ठीक है। चेंज क्या है? थोड़ा सा डार्क है बस, थोड़ा। अभी लाइट आएगी ना उसमें। अच्छा, अभी देखो लाइट लग रही है उसमें। मेरा और पापा का सेम टेस्ट है ना। सुन लिया मैंने, सुन लिया। सेम टेस्ट है, जब लगा तो मैं बोला। आप कह रहे थे आप पसंद करके आए हो। नहीं अच्छा, बहुत मैं नहीं बोल रहा, बट जब वो जब पहली बार आई थिंक वाइट की हैबिट थी लाइट देखने की, जैसे ही लगा तो मैंने कहा डल तो नहीं लग रहा, डार्क तो नहीं है, मैट फिनिश है, ग्लॉसी देना चाहिए था। और फिर बाद में देखते देखते वो अच्छा लगने लगा। पापा ने भी एग्जैक्टली वही कहा, थोड़ा डार्क लग रहा है। मैं आज पिंक कुर्ता पहनने वाला था तो मैंने नहीं पहना। नहीं पर ऐसे पता नहीं, मैंने कहीं पिंक सेम यही पिंक था, बस थोड़ा सा मेरा वो मोटा था ना, गर्मी एक जैसे हो जाते तो गर्मी लगती, मैंने कहा गर्मी होगी बहुत ज्यादा, वो चिकन वाला प्रॉपर था, मैंने कहा चुकेगा तो फिर एक जैसे हो जाते तो। हां आप भी तो पिंक ही पहने हो। हां वो तो वो लाइक वही का तो वो कहां का कहां का पटियाला। अच्छा,
जाए। आज का सूट भी अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा लग रहा है। झटका लगेगा? नहीं लगेगा। तो अक्रम पकड़ दोनों हाथ से। हाँ, और चोट को ऐसे पकड़ा कि वो ना चले। दे तुम्हारी नहीं आज नहीं। क्यों क्यों मन नहीं कर रहा तो क्या क्या याद है अभी? क्या किया आज? हाँ क्या किया आज बोलो 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 बोलो। मैं किचन में गई क्योंकि 3 बज गए। मैं 3 बजे अपनी थायराइड की गोली खाती हूँ, 3:30 बजे सहरी करती हूँ। क्या सोच के मतलब यार, एक इंसान देखता है शुगर फ्री की बॉटल, देखता है थायराइड और शुगर फ्री में फर्क है दोनों में। जुमे की नमाज, आप सबको अलविदा जुमा मुबारक। क्यों रेहान? हाँ, आप सबको अलविदा जुमा मुबारक। सबको जुमा मुबारक, अलविदा। देखते देखते रमजान बीत गए, आज अलविदा जुमा भी हो गया। बस चलते हैं घर अभी। हाँ जी, हाँ जी, क्या बन रहा आज? आई एम बैक विद द एनर्जी। आज मैं बना रही हूँ, I'm just being, मैंने अपने ब्लॉग में भी बोला मैं ज्यादा एम्बिशियस हो रही हूँ, मैंने काफी चीजें प्लान की हैं। मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा, मैं बना रही हूँ पिज्जा पफ, मैं बना रही हूँ आपकी सब्जी और रोटी। आपकी सब्जी बन गई है और मैंने चिकन भी बॉईल किया है। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं कटलेट बना लूंगी, वरना बाद में खिला दूंगी। और अब चलते हैं कुरान शरीफ पढ़ने। अब जब मैं आऊंगा मेरा कुरान मुकम्मल हो चुका होगा। क्या बात है, माशाल्लाह, हाफ पारा बचा है। अलविदा जुमा हो गया आज, है ना? खत्म रमजान? हाँ, 3 दिन बाद खत्म हो जाएंगे। 3 दिन बाद खत्म हो जाएंगे? कब शुरू हुआ कब खत्म पता भी नहीं चला ना। होगी हो गई है तैयारी। ये क्या है? पिज्जा पफ।
और अम्मी का अभी सोफा भी रेडी हो गया, शाम तक आ जाएगा। इतनी जल्दी बना दिया। ये आज न्यू डिनर सेट की प्लेट्स जो है बिक चुकी है। फोन कर रहा था अभी, अरे मैं आप ही को फोन कर रहा था कि आप आएंगे लेने, भेजे किसी को? नहीं, मस्त लग रहा है। अरे हम लोग तो सेम फैब्रिक है, कलर डिफरेंट है, बस कलर डिफरेंट है, फैब्रिक सेम है ना? कंफर्टेबल, बिल्कुल वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है। कैसे अंकल? बढ़िया हूँ, आपसे तो अच्छा हूँ। या दूसरा तंग करना ना किसी को, यार बढ़िया हूँ पर आपसे अच्छा है। क्या हाल है बेटा? अरे बेटा, तो आ गए हैं पापा घर पे अभी, और आज अलविदा जुमा है तो हमने सोचा कि हम सब साथ में इफ्तारी करते हैं, तो अभी लग गई है बस। बढ़िया लग रहा है, यही मैं बोलने वाला था, इसी को लेने गए थे ना, वॉलपेपर को बता रहे थे उसको। हाँ, वॉलपेपर वाला करेक्ट। खराब हो गया था ना हमारे ये सर है ना, ये धर्म सर, इन्होंने खराब कर दिया था। आपा सलाम, छोटी आपा सलाम, अच्छे से खाया? बहुत बहुत अच्छे से। हाँ? बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे पता होता ना कि इतना, तो मैं कल से खाना ना खाता था। राम राम राम, सलाम सबको। देखो आज से नाम सुनो, ये बड़ी आपा, ये छोटी आपा, नानी वो छोटी छोटिया है ना। चलो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। सब ठीक, रंग तक साफ हो गया। बहुत मजा आया पार्टी। कुर्ता अच्छा लग रहा है। हाय भाई, बच्चा लोग इनको लाइक किया करो, इनके हर ब्लॉग को लाइक किया करो, नहीं तो अंकल तुम्हारी मूछें डाउन कर दे। ओके सर, बाय। खत्म अम्मी रमजान, हो गया अलविदा जुमा आज, हो गया। चले गए रमजान, क्यों इतनी जल्दी? यकीन ही नहीं होता, पता नहीं चला कब आए और कैसे चले गए। सच में आने की खुशी थी, उतने जाने का गम हो गया। गम रहता है सच में। हाँ तो गाइस ये था आज का वीडियो, अच्छा अच्छे रहे दो दिन का मिला के, और आज अलविदा जुमा भी हो गया, 27वां रोज़ा भी हो गया। आज शायद मैं इस ब्लॉग में पूरे में बोल रहा हूँ मैं कि रमज़ान जा रहे हैं, रमज़ान जा रहे हैं, रमज़ान जा रहे हैं, कब आए और कब चले गए पता नहीं चला। बस दुआ यही है कि अल्लाह पाक हम सब की इबादत कबूल करे, हम सबको इंशाल्लाह अगले साल भी रमज़ान नसीब फरमाए, और जिससे जो भी गलतियाँ हुई हों इस महीने में, हमेशा या हमेशा होती हों, हम तो ऑब्वियसली बातें गलतियाँ करते हैं, अल्लाह पाक उन्हें माफ़ करे, सबको खुशहाल रखे, सबके माँ बाप को सलामत रखे, और दुनिया में अमन सुकून शांति बस बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए। और एक चीज़ और मुझे स्पेशली बोलनी है कि
कल दीपिका ने एक वीडियो डाला अम्मी के सेलिब्रेशन वाला, उसमें लास्ट तो कुछ तो ऐसा है कि जहाँ अम्मी दीपिका को हमेशा किस करती हैं आती हैं, तो बेटी खाला का पीछे लोग बोल रहे हैं कि देखो बेटी खाला खुश नहीं है, उनका रिएक्शन कैसा है। यार कम ऑन, इतने तो समझदार हो आप लोग यार जो देखते हो कभी कभी अम्मी बेटी खाला की बात चल रही, अम्मी और दीपिका की बात चल रही थी तो पीछे कुछ बात चल रही थी सभा और दिनों, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश नहीं है, हम उनको खुश नहीं रखते हैं या वो यहाँ पे खुश नहीं रहती, ज़बरदस्ती रहते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उनकी इज्जत नहीं करते हैं। जजमेंटल होना प्लीज़ बंद कर दीजिए, ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अल्लाह भी कहता है कि अगर आप किसी को बिना जाने समझे किसी अपने बारे में किसी की राय बनाते हो या कोई जजमेंट पास करते हो तो अल्लाह आपसे हिसाब लेगा उस चीज़ का। और आजकल ये तो बहुत एक आम गुनाह हो गया है, सब लोग बात करते हैं बड़े बड़े गुनाहों की, ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, लेकिन ये जो आप लोग भी करते हैं ना, बिना जाने पहचाने जजमेंटल हो जाते हैं, जजमेंट पास कर देते हैं, हाँ वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है, उसने उसको ऐसा कर दिया, उसने उसको ऐसा कर दिया, इसलिए वो ऐसा है, सब तले जाओगे तुम लोग भी ध्यान रखना। ठीक है गाइस, तो खुश रहो यार, किसी की बुराइयां निकालने से क्या हो, किसी में अगर बुराइयां हो भी तो भी मत निकालो, हुजूर पाक तो ऐप ढका करते थे लोगों के यार। और ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि मत करो, और आप लोग आप गुनाह में पढ़ रहे हो, क्योंकि हमें लिटरली नहीं फर्क पड़ता, हम हंस देते हैं, सच में हमें हंसी आ जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बोलना होता है, तो वो मैंने आज आपसे बोल दिया। ऐसे ही आज मैंने एक इंस्टा पे पोस्ट डाला था, जिन्हें अर्श वालों पे यकीन होता है उसका फर्श वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ना ही उसे उसकी किसी भी बात का फर्क पड़ता है, क्योंकि उसे यकीन अर्श वाले पे है, तो हमारा वही बनना है भाई। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आए वो करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी कदर कीजिए। ठीक है, और भाई हाँ, यस, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने इतना नवाजा है, अल्लाह ने इतना दिया है, तो मैं अपने माँ बाप पे खर्च करूँगा, और इतना नहीं इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा खर्च करूँगा। ठीक है, तो जिसको बुरा लग रहा है, खुदा हाफिज़।